जय श्री माता जी। आज हम इस सेशन में हेमजा सुतम ये गणेश स्तुति लेने वाले हैं। शुरू करने से पहले हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं इसका पर्पस उद्देश्य मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक, जो गायक है बिगिनर्स है जो सहज भजन म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनके लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम नोटेशंस बता रहे हैं। अगर सुरों का ज्ञान हो और ताल के बारे में जानकारी हो तो कोई भी भजन कोई भी गाना आप अच्छे से प्रैक्टिस करके प्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए जो बिगिनर्स फ्रेशर्स या सीखने वाले हैं उनके लिए ये यूज़फुल हो सकता है। दो, जो वादक है चाहे वो हारमोनियम हो बांसुरी हो सितार हो वायलिन हो अगर उनको ये भजन उस इंस्ट्रूमेंट पे बजाना है तो नोटेशंस तो वही रहने वाले हैं तो वो उसका उपयोग कर सकते हैं फिर उसमें उनके इंस्ट्रूमेंट्स के टेक्निक्स वो ला सकते हैं। तीन, जो ताल वादक है जैसे तबला ढोलकी हम यहाँ पे ताल इसीलिए ले रहे हैं कि जो ताल वादक है उनको समझ में आए कि किस भजन के साथ किस तरीके से ठेका बजाना है। तो हमारा पर्पस या हमारा उद्देश्य यही है कि सबके लिए ये वीडियोज़ यूज़फुल हो उनको फ़ायदेमंद हो। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ हमने इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि आपको ये और बेहतर होगा और फ़ायदा होगा तो आप ज़रूर आपके सुझाव कमेंट्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अभी हम शुरू करते हैं हेमजा सुतम से। इसका बेस राग भीमपलासी है गंधार निषाद कोमल। ये लाइट म्यूज़िक में है इसलिए लाइट म्यूज़िक में एक बेस राग होता है लेकिन ऐसे नहीं होता कि पूरी बंदिश उसी राग में होगी, चेंज होता रहता है। क्लासिकल में जैसे कि हमने लास्ट टाइम बीनती सुनिए देखा था वो पूरा क्लासिकल बंदिश है तो वो पूरा भीमपलास पे बेस्ड था। हेमजा सुतम थोड़ा लाइट म्यूज़िक में आता है। इसका ताल है दादरा, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं ऋषिकेश से। बेसिकली ये जो ताल दादरा है ये 6 मात्रा का ताल है और इसके जो फ्रेजिंग है इसके जो बोल है ये इस प्रकार है कि धा धा तिन ता धा धिन धा धा तिन ता धा धिन, इस प्रकार से ये भजन में ये ताल को बजाया जाता है। शुरू करने से पहले मैं आप सप्तक के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक यानी जो हमारा षड्ज है, जो भी हमने स्केल ली है उसका जो षड्ज है उसके नीचे जो सुर बजते हैं सा नी ध प म ग रे सा, तो ये जो है वो मंद्र सप्तक हुआ। मध्य सप्तक यानी जो नॉर्मल है सा रे ग म, ये हमारा मध्य सप्तक हुआ। और ये सा के ऊपर जो है वो तार सप्तक है। तो लिखते समय जब भी नीचे के स्वर आएंगे, सा के नीचे के सुर आएंगे तो उसके नीचे आप एक बिंदु कर दीजिएगा, मार्क कर दीजिए ताकि समझ में आएगा ये मंद्र सप्तक के सुर हैं। जो तार सप्तक के सुर होते हैं उसके ऊपर बिंदु मार्क करते हैं, डॉट मार्क करते हैं जिससे समझ में आता है कि वो तार सप्तक के सुर है। ये लिखने की पद्धति भातखंडे पद्धति में। इसमें गांधार और निषाद कोमल है तो हमेशा गांधार और निषाद के नीचे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। गाना ये जो भजन है वो एक आलाप से शुरू होता है। दूसरी बार सारे
सा नि सा, तो ये इससे हमारा भजन शुरू होता है। फिर एक छोटा सा म्यूजिक पीस आता है पनी रे सा, और उसके बाद हे मजा सुतम स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा मैं फिर से आपको बताती हूँ। सारे गुरे नी नी सारे सानी सा, सारे गमोनी नी सारे सानी सा, नी रे सा हे मजा सुतम भजे नी सा 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 नी सा सा। मैं हर एक फ्रेज दो बार बता रही हूँ समझने के लिए। हे मजा सुतम भजे नी सा 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 नी सा सा, ये जो नी है वो मंद्रा का है इसलिए उसके नीचे आप बिंदु मार्क कर दीजिए। हे मजा सुतम भजे गणेश मीश गणेश मीश सा नी सा सा प नंदनम नी नी नी। हे मजा सुतम भजे गणेश मीश नंदनम नी सा 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 नी सा 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 नी सा सा प नी नी नी। एक दंत प नी 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 वक्रतुंड प नी नी नी। एक दंत वक्रतुंड प नी 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 प नी नी नी। नागयज्ञ सारे रेणी नागयज्ञ सूत्रकम सारे रेणी सा सा सा। एक दंत वक्रतुंड नागयज्ञ सूत्रकम पनि नीनि पनि नीनि सारे रेणि सा सा सा। ये जो पीस है वो गर सा गर सा गर सा गर सा, यहाँ पे जो गैप है उसमें आप कोई भी पीस बजा सकते हो जो सुटेबल है। यहाँ पे मैंने सिंपल बताया है गर सा गरे सा को चार बार बजाना है। गरे सा गरे सा गरे सा गरे सा अप म ग म गरे गरे सा गरे सा, ऐसे भी ले सकते हो। द प म प म ग म गरे गरे सा, ऐसे भी ले सकते हो। हम सिंपल लेंगे अभी गरे सा गरे सा गरे सा गरे सा। फिर रक्त गात्र नी सा सा सा, धूम्र नेत्र नी सा सा सा, शुभ्र वस्त्र नी सा सा प मंडितम नी नी नी। जैसे ही मजा सुतम है वैसे ही इसके नोटेशन से रक्त गात्र धूम्र नेत्र शुभ्र वस्त्र मंडितम नी सा 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 नी सा 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 नी सा सा प नी नी नी। कल्प वृक्ष प नी नी नी, भक्त रक्ष पनी नी नी। नमोस्तु ते गजाननं सारे रे नि सा सा सा, पनी नी नी पनी नी नी सारे रे नि सा सा सा। तो ये हमारा अस्थाई हुआ। हम एक बार इसको ताल के साथ तबले में देखते हैं। से ही शुरू होते हैं इसमें। Thank you.
अभी जो अंतरा का आ आकार शुरू होता है उसके पहले मैंने ये बजा था, क्योंकि इसमें वो गैप है, उसके बाद आलाप शुरू होता है, तो वो गैप भी आप अपने म्यूजिक से कैसे भी बजा सकते हो, ऐसे भी बजा सकते हो, सारे गरे गा सारे गा बापा यहाँ से शुरू हो सकता है। मैंने जो अभी बजाया था वो नमोस्तुते गजाननम का ही नोटेशन था, सारे रे नी सा 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 पे आ रहे हैं, इसको मिंड कहते हैं, पानी रे यहाँ पे निषाद और दैवत जो लग रहा है वो भी कोमल है, दोनों कोमल है। दूसरी बार जब हम आकार गा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, पहली बार सिंपल है, पहली बार का देखते हैं, पानी रे पानी सारे यहाँ पे आलाप खत्म होता है। एक बार गा के बताती हूँ, पाश पाणी ग ग चक्रपाणी ग ग गर सा, कोई कोई ऐसे भी गाता है, पाश पाणी चक्रपाणी यानी ग ग ग सा ग ग ग सा, लेकिन हम ऐसे लेते हैं, पाश पाणी चक्रपाणी ग ग गर सा ग ग गर सा, मूषकादि रोहिणम ग ग गर सा ग ग ग, पाश पाणि चक्र पाणि मूषकादि रोहिणम ग ग गर सा ग ग गर सा ग ग गर सा ग ग ग, पाणि सामा, तब दूसरी लाइन कनेक्ट होती है, ये म्यूजिक है, पाणि सामा, ये पाणि जो है वो मंद्र के है, पाणि सामा अग्नि कोटि सूर्य ज्योति माम 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 माम, अग्नि कोटि सूर्य ज्योति माम 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 माम, वज्र कोटि माम पमग वज्र कोटि माम पमग वज्र कोटि निर्मलम माम पमग माप पप निर्मलम मप पप, अग्नि कोटि सूर्य ज्योति वज्र कोटि निर्मलम माम 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 पम गम पप पप। फिर सेकंड हम फिर से पाश पाणी चक्र पाणी गाते हैं, उसमें गैप नहीं होता, लेकिन नोटेशन वही है, पाश पाणी चक्र पाणी मूषकादि रोहिणम अग्नि कोटि सूर्य ज्योति वज्र कोटि निर्मलम चित्रमाला पापनीनी चित्रमाला
शोभितम् पापनी ने पापम गम गम गरे सरे रे रे कल्प वृक्ष भक्त रक्ष रे रे मम रे रे सा सा कल्प वृक्ष भक्त रक्ष रे रे मम रे रे सा नमोस्तु ते गजाननम् सानी सगरे सा 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 नमोस्तु ते गजाननम् सनी सगरे सा 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 कर चित्रमाल भक्ति जाल भाल चंद्र शोभितम् कल्प वृक्ष भक्त रक्षम स्तुते गजाननम् यहाँ पे फिर से हमारा जो शुरू का आलाप है वो यहाँ पे आ जाता है, तो नोटेशन वही है उसके। अभी इस अंतरिक को हम ताल में देखते हैं, लेकिन इसके लिए हम पहले अस्थाई से ही शुरू करते हैं, क्योंकि बीच में जो गैप है वो आपको समझ में आ जाएगा फिर कैसे जोड़ना है। दूसरे अंतरे की भी नोटेशंस वैसे ही है। इसके बीच में मैंने एक आलाप लिया था, उसके नोटेशंस में अभी बताऊंगी। भूत भाव्य गगगरसा हव्य काव्य गगगरसा भूत भाव्य हव्य काव्य गगगरसा गगगरसा भूत भाव्य हव्य काव्य भृगुर भाग वर्जितम् गगगर सा गगग भूत भाव्य हव्य काव्य भृगुर भाग वर्जितम् गगगर सा गगगर सा गगगर सा गगग दिव्य वाहिनी काल जाल माम 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 लोकपाल माम पमग लोकपाल वंदितम् माम पमग मपपप लोकपाल वंदितम् ऐसे भी आप वैरायटी ले सकते हैं। माम पमग मनि पप लोकपाल वंदितम् ये बीच में छोटा सा आलाप गाया जाता है। ग प म प म ग ऐसे भी गा सकते हैं। आ प म ग म प म ग इस तरीके से भी गाते हैं, या फिर आ प म ग प म प म ग ऐसे भी गाते हैं।
भूत भाव्य हव्य काव्य भृगुर्भाग वर्जितम् पायनी साम दिव्य वाहिनी काल जाल लोक पाल वंदितम् पम 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 ग भूत भाव्य हव्य काव्य दिव्य वाहिनी काल जाल लोक पाल वंदितम् पूर्ण ब्रह्म वो रोटेशन कल्पवृक्ष का सेम ही है। तो अभी हम फिर से संतरे को ताल के साथ देखते हैं। इसी तरीके से है तो आप वो अपने तरीके से बजाइए, आप होमवर्क कीजिए उसका। हम आशा करते हैं कि एटलीस्ट आपको एक बेसिक आउटलाइन मिली होगी इस भजन की, कैसे बजाते हैं, कैसे गाते हैं, ताल कैसे बजता है इसमें। इस वीडियोस में आपको और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको लगता है कुछ इंक्लूड करें तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको इससे अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जय श्री माता जी।